तो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एक नई गाड़ी, एक नया दिन। वैसे तो अभी रात हो रही है, आप देख सकते हो। एक नया दिन, एक नई गाड़ी और एक नई वाइब। आज मैं आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि 1.5 लाख रुपए की गाड़ी जो कि नैनो सबसे सस्ती गाड़ी का टैग मिल चुका है जिसे, वो लेना बेटर है या फिर एक ऐसी बाइक जिसे सब लोग मुड़ मुड़ के देखें वो लेना बेटर है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करने वाला हूँ मैं, सिर्फ 8-10 मिनट की वीडियो करने वाला हूँ, लेकिन उस वीडियो में आपको इतनी हेल्प कर दूंगा कि आप इसमें से एक चूज करके जरूर ले आओगे। देखो वो तो अपनी पर्सनल चॉइस भी रहती है, लेकिन अब हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसका एवरेज जो है इतना अच्छा नहीं है, हर कोई जानता है। अब मैं एग्जैक्ट एवरेज तो नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ कुछ आइडिया देने वाला हूँ। इसमें आप 2 लोग बैठ सकते हो, 2 लोग लीगली। इसमें आप 5 लोग बैठ सकते हो, 6-6, 3 पीछे, मतलब 4 पीछे अगर पतले पतले हैं, बच्चे बच्चे हैं, 4 पीछे बैठा लो, 2 आगे बैठा लो, ठीक है। इसमें AC चलेगा, म्यूजिक सिस्टम चलेगा। इसमें भाई 2 ही बैठेंगे। धूप होगी तो भाई आपको धूप गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, ठंड होगी ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, बारिश होगी तो इसमें भीगोगे, और अगर आपको तबीयत ख़राब अपनी करवानी है तो ठंड में आप इससे चल सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें आपको AC भी मिलेगा, हीटर भी मिलेगा, बारिश से भी बचाएगी, म्यूजिक सिस्टम भी देगी और सेफ्टी भी देगी आपको। देखो ये बाइक है, कितनी भी महंगी बाइक हो, सुपर बाइक हो, कुछ भी हो, अगर गिरेगी बाइक तो चोट आपको लगनी ही लगनी है, दैट्स फॉर श्योर। बाइक अगर गिरेगी, कोई सी भी हो, आप उसे चला रहे हो तो आपके थोड़ी बहुत चोट आएगी, वो डिपेंड करता है। वैसे तो ऐसा किसी के साथ होना, फिंगर्स क्रॉस, लेकिन जस्ट कंपैरिजन बताना है इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ये रही कार भाई, कुछ तो सिक्योरिटी देगी, टाटा की है भाई। ये देखो ठोस लोहा है बिल्कुल, बस बम्पर को छोड़ के हर जगह लोहा है, कुछ तो आपको सिक्योरिटी देगी इससे ज़्यादा। एक तो इसमें आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हल्की फुल्की स्लिप होके भी गिरती है बाइक तो चोट लगेगी, इसमें आप गिरोगे नहीं। फिर इसमें आपको देखो इतने लोग बैठ गए आराम से, ठीक है। आपको बारिश में वाइपर भी मिलेगा, फॉग लैम्प भी मिलेंगे। देखो कोहरे में भी बहुत ज़्यादा जो फॉग होता है उसमें बाइक की विजिबिलिटी बहुत कम होती है, पीछे से आने वाले लोगों के लिए वो हिट भी कर सकते हैं। इसमें आपको हजार्ड लैम्प भी मिलेंगे और फॉग लैम्प भी मिलेगा, हेडलाइट्स भी मिलेंगी, साइड में इंडिकेटर भी मिलेगा और टायर्स वगैरह इसके कुछ ऐसे हैं। देखो दोनों चीज़ों के रिव्यू अपने चैनल पे पड़े हुए हैं, गाड़ी का रिव्यू भी पड़ा हुआ है, इस पर्टिकुलर नैनो का, इस पर्टिकुलर बाइक का रिव्यू भी पड़ा हुआ है, और बाइक्स का भी है और कार्स का भी है। लेकिन बात चल रही है इस बजट में आपको क्या लेना चाहिए। देखो डिग्गी भी मिलेगी आपको थोड़ी सामान वामान रखने की, तो इसमें आप देख सकते हो लाइट्स ऐसी मिलेंगी, उसकी भी लाइट जला दी हैं, इसकी भी लाइट जला दी हैं, विजिबिलिटी ज़्यादा इसी की दिखेगी। अगर पीछे से भी कोई पीछे से आ रहा है, मान लो विजिबिलिटी कम है रात को, तो उसमें खतरा ज़्यादा है पीछे से हिट होने का, इसमें खतरा कम है। और अगर हो भी जाओ तो इसमें खतरा कम है, और अगर इसमें कोई आके घुस भी जाए, मैं कह रहा हूँ कोई कार वाला भाई, यहाँ पे इंजन है इसमें सब, तो लोड इंजन ही ले जाएगा, फिर डिग्गी मेटल है भाई। इसमें डिग्गी भी मिल जाती है आपको, कुछ सामान वगैरह अगर रखना हो वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। वैसे आपको सब कुछ देखना है तो रिव्यू वाली वीडियो में जाके देख लो, 1:1 चीज़ जो होती है ना वो आपको उसमें दिख जाएगी। यहाँ पे हाई स्टॉप लैम्प भी आता है, ब्रेक मारने पे ये जलेगा। और ये देखो इसमें ये बाहर से ये लगवा तो रखे हैं इंडिकेटर में, ये शायद कंपनी से आते होंगे जो भी है, लेकिन फिर भी यार इसमें फ़र्क है। अगर आप देखो सिंगल लड़के हो, आपको चलना है तो आप ये ले लो, सिटी में चलना है। लेकिन अगर कभी मान लो बाहर जाना पड़ जाए, सेफ तो बाहर जाने के लिए, हाईवे पर जाने के लिए ये भी नहीं है, लेकिन मान लो आपको मजबूरी है, जाना ही जाना है थोड़ी बहुत देर के लिए, तो आप लेके तो जाओगे ही, बाइक से जाओ इसमें जाओ, फर्क है। अब देखो इसे भी हर बंदा मुड़ के देखता है कि ये एक तो कलर इसका इतना यूनिक है, ऊपर से गाड़ी थोड़ी यूनिक है, जहां भी जाती है भाई हर कोई इसको देखता जरूर है, जहां भी जाएगी गाड़ी हर कोई इसको मुड़ मुड़ के देखेगा, हर कोई देखेगा ही जरूर इस गाड़ी को। ये बुलेट है भाई, इसमें एग्जॉस्ट वगैरह का लग जाता है तो इसको हर कोई देखेगा, इसको भी, लेकिन उसको अलग नज़र से देखता है, इसको अलग नज़र से देखता है। इसमें आते ही ना अगर आपके में एग्जॉस्ट लगाए तो आपके ऊपर छपरी वाला टैग लगेगा, एक इसमें और एक इसमें ड्यूक में। इसमें आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो जो कि अंदर बाहर से और लोगों को देखेंगी, लेकिन इसमें क्या करोगे भाई, ये फुल मॉडिफाइड है। इसमें हॉर्न देख सकते हो, बड़ा सा हॉर्न है, कार वाला लगा हुआ है ये वाला, ये थोड़े से बार्स लगे हुए हैं, यहाँ पे बार एंड ये लगे हुए हैं, ये लाइट्स लगी हुई हैं, वैसे वाइट आती हैं, ब्लू हुई हुई हैं, और क्या है इसमें, साइलेंसर लगा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगवा लोगे। अब देखो इसमें बेसिक मॉडिफिकेशन इसमें भी हुई हुई है, लेकिन इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है।
एक तो कंफर्ट के लिए पीछे वाली सीट के लिए आप तकिए वगैरह रख सकते हो, पीछे की सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अगर चाहिए थोड़ा सा कंफर्ट तो अभी तकिए वगैरह रख सकते हो। लेग स्पेस फुल आती है पीछे से, इसमें यार ये हाथ का ये आता है। देखो प्रॉपर मैं रिव्यू नहीं देने वाला हूँ, वो आप रिव्यू वाली वीडियो में जाके देख सकते हो दोनों चीजों के। इसमें बॉटल होल्डर नहीं आता तो अलग से बॉटल होल्डर लगा रखा है, परफ्यूम लगा रखा है, थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से ये सब लगा रखा है। यहाँ पे जगह मिल जाती है सामान रख लो, भाई जगह तो बहुत है इसमें। पावर स्टेयरिंग आता है, पावर ब्रेक आते हैं, म्यूजिक सिस्टम है, ब्लूटूथ भी आता है, यहाँ जगह है, उसमें जगह है, भाई जगह की इसमें कोई कमी नहीं है। तो ये है अपनी गाड़ी जो कि 1,00,000 रुपए में आती है। अब बात रही एवरेज की, ये एवरेज देती होगी 35 से 30, 35 कभी 40 हो जाता होगा। ये अपनी एवरेज, भाई मुझे आज तक खुद ना पता ये कितना एवरेज दे रही है। जैसी देखो ये बात मजाक की नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रोक्स ये एवरेज दे रही होगी 15-20 या हद हो गई तो 21 का, इससे ज़्यादा का एवरेज नहीं दे रही होगी ये। या तो मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या ये एवरेज देती ही इतना होगी नैनो, क्योंकि मेरी वीडियोस पे जो कमेंट आए हैं वो इतने ही यही आए हैं। फिलहाल मेरी गाड़ी जो है बिल्कुल नई कंडीशन में है, ये भी सेकंड, ये मैंने सेकंड हैंड ली थी 1.5 लाख की, और ये 1.5 लाख की नई थी पहले। अब अगर लेने जाओगे तो 2 से 2.5 लाख के बीच में आपके जेब से कहाँ चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये आज भी आपको उतने की ही मिल जाएगी, लेकिन फिर आपको देखना है कि आपको फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए या फिर खुद इसमें आपको घूमना है रोला जमाने के लिए। उसमें आपको फायदे ही फायदे मिल रहे हैं अगर आप थोड़ा सा एवरेज देख सकते हो तो। अब बात रही सर्विस की, इसकी सर्विस अगर 500, 600, 800 में भी होती होगी ना, इसकी सर्विस 1100 रुपये में मैंने करवाई है, उसकी वीडियो भी चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हो फुल प्रोसीजर के साथ हर चीज़ का बिल भी मैंने दिखाया। 1100 रुपये में सर्विस है इसकी, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। यार देखो टायर अगर इसका बदलवाओगे तो इसका टायर भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 1500 से 2000 का टायर होगा इसका। ये अलग बात है इसमें 2 टायर आते हैं, इसमें 4 आते हैं। तो यार देखो मज़ा जब ज़्यादा लोगे ना तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको 50-100 का डिफरेंस रखना पड़ेगा, देखो 20-22 का डिफरेंस रखना पड़ेगा तो काम आपका हो पाएगा। अब इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कलर के, अपनी मर्जी का कलर वगैरह ले लो। देखो वो इसमें भी मिल जाएंगे, लेकिन मोस्ट फेमस जो है वो ब्लैक ही है, स्टैंडर्ड ही है मोस्ट फेमस जो ये वाली है अपनी। बाकी आप कुछ हाईवेज ऐसे होते हैं जिसपे बाइक का टोल लगता है, लेकिन बहुत सी जगह पे बाइक का टोल नहीं लगता। अगर कहीं बाहर जा रहे हो हाईवे पे, कार होगी तो टोल देना पड़ जाएगा, ये बाइक को प्रॉफिट है। लेकिन हाँ उसमें लोग भी 4 जा रहे होंगे, इसमें लोग भी 2 जा रहे होंगे, 4, 6, 5 जितने जाने हैं उसमें जा रहे होंगे सामान के साथ। इसमें सामान कहाँ रखोगे अगर 2 लोग बैठ गए तो? देखो रखने वाले रख लेंगे सामान, लेकिन जितना इसमें आ जाएगा उतना आप भी मानोगे कि सामान इसमें नहीं आएगा। अब भाई इसमें अगर 4 टायर आते हैं तो आपको एक स्टपनी भी मिल जाती है, इसमें स्टपनी नहीं है। अगर मान लो टायर फट जाए आपका, पहली बात तो बैलेंस ही नहीं बनेगा। इसमें अगर फट जाएगा तो आपका रिम ही तो काम से जाएगा, आप थोड़ी बहुत चला तो लोगे गाड़ी, और भाई क्यों चलानी है जब आपको स्टपनी मिलती है। स्टपनी आपको मिल रही है, स्टपनी लगाओ चलते चले जाओ। इसमें अगर टायर फट गया या बुरी तरीके से पंचर हो गया, मान लो हवा सारी निकल गई, दूर दूर तक कोई नहीं है, उसमें तो स्टपनी खुद बदल लोगे, लेकिन इसका क्या करोगे? अगर आगे वाला हो गया पंचर तो भी नहीं चला पाओगे, पीछे वाला हो गया पंचर तो भी नहीं चला पाओगे। उसमें अगर पंचर हो भी गया तो टायर आपका खराब हो जाएगा अगर आप चलाओगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगी, नहीं चल जाएगी गाड़ी। और स्टपनी अगर सही है तो स्टपनी लगा लो आप। अब भाई अगर आपको सिर्फ बैठना भी है रात को तो इसमें आपको रीडिंग लाइट भी मिल जाती है ये वाली, तो आप अंदर देखो कितनी रोशनी कर रखी है इसने। एम्बिएंट लाइट भी लगा रखी है, लेकिन उसका तारा भी हटा रखा है, तो पूरे आप मजे ले सकते हो उस गाड़ी के। इसमें सेंट्रल लॉकिंग भी आती है। इसकी सिक्योरिटी जो है, अगर जैसे चोरों से भी बचानी है तो इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो देखो पहले सेंट्रल लॉकिंग ये वाली, फिर वहाँ पे वो वाले लॉक को करना पड़ेगा। बाइक तो नॉर्मली चोरी हो ही जाती है, ये तो बुलेट है फिर भी इसमें साइड वाला लॉक है, कम चोरी होती होगी। और बाइक स्प्लेंडर वगैरह तो कोई से भी चाबी यहाँ पे ऐसे ऐसे करो स्टार्ट हो जाती है, वरना भाई तार वार में छेड़छाड़ करने से मैंने वीडियोज देखी हैं और लोगों की स्टार्ट हो ही जाती है। तो सेफ्टी आपको हर मामले में मिल रही है। अब आपको देखना है ये लेना है या वो लेना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।